सो ये है ले व्यू पॉइंट जो कि है 13,000 फीट पे। यहाँ से आपको पूरा ले दिखेगा। यह है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट 12,067 फीट। तो हम लोग फाइनली खारदुंगला टॉप पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए ना लाइन लग रही है, देख लो। अरे ऑफ रोड फिर से, नो मैन, राइट साइड में कितनी ज़्यादा बर्फ है और सुंदर लग रहा है। ऑलराइट दोस्तों, सो अभी का सीन कुछ ऐसा है, सुबह के बज रहे हैं 8:37 एंड तीन बाइकें, एक दो और तीन, तीसरी BMW, तीन बाइकें जा रही है खारदुंगला पास। तो चलते हैं, ये वाली बाइक नहीं जा रही है, ये यहीं पे रेस्ट करने वाले हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं मॉल रोड की तरफ से, हम लोग निकल रहे हैं खारदुंगला पास की तरफ एंड सामने के पहाड़ देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को करने को। लेफ़्ट साइड में देखो इंस्टीट्यूट है छोटा सा, बाकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही मिल जाएंगी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होने वाली है। ये देखो बॉय कितना ही सुंदर गेट बनाया हुआ है इन्होंने। खारदुंगला 39 किलोमीटर है यहाँ से। ये भी एक मार्केट एरिया है, ठंड के कपड़े मिलते हैं यहाँ पर। देखो सारे लोग कैसे देख रहे हैं ना, क्योंकि हमारी जैसी जो बाइक्स हैं वो यहाँ पे बहुत कम आती है। अभी हमने टेम्परेचर चेक किया था तो वहाँ पे हो रहा है अराउंड -3 -2, तो होपफुली बर्फ ही होगी रोड्स पे, और ऐसे भी हो सकता है स्नोफॉल भी हो, तो कुछ भी हो सकता है, वी डोंट हैव एनी आइडिया, 50-50 चांसेस हैं। पेट्रोल अभी 3 पॉइंट है तो मुझे नहीं लगता अभी डलवाना पड़ेगा, बाकी जब हम वापस आएंगे तो चांसेस हैं कि डलवाना पड़े। सो दोस्तों देखो, चढ़ते चढ़ते हम एक हाइट पे पहुंच चुके हैं जहाँ से हमें ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें दिख रही है, लेह दिख रहा है हमें यहाँ से। ये देखो लेफ्ट साइड में पूरा लेह है, ले सिटी, सामने के पहाड़ों पे बर्फ़ है, सामने आर्मी का ट्रक जा रहा है जिससे हमें थोड़ा पास लेना पड़ेगा क्योंकि लाइन में जा रहे हैं ये सारे लोग ऊपर। आगे बीच बीच में ना ऐसे व्यू पॉइंट्स आते रहते हैं, तो अगर आप भी आते हो तो यहाँ पे रुक के फ़ोटो वीडियो निकाल सकते हो। हमने तो लास्ट ईयर किया था, यहाँ की सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ है अपने पास। ये देखो कितना ही सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे BMW में और बावर में टैंक फुल हो रहा है, अपनी बाइक में अभी भी 3 पॉइंट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग जाएंगे और फिर वापस आएंगे और वापस आके डलवा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। यहाँ पे वैसे नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल है, तो सही फैसिलिटीज़ है इस पेट्रोल पम्प पे। वो देखो वहाँ पर शायद ये लोग चेक करते हैं परमिट, ये शायद फर्स्ट चेक पॉइंट है, यहाँ पर चेक करते हैं और उसके बाद ऊपर भी चेक करते हैं, ऊपर मेन वाला है कि काफ़ी सारे ट्रक्स हैं जो ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, हमें भी उस रास्ते से जाना है। सो एक्साइटेड मैन, सो एक्साइटेड। एंड ये देखो ये है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट 12,067 फीट, खारदुंगला रोड लेह लद्दाख। तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रिटेल आउटलेट है जो कि है HP का। वाओ मैन, दिस इज़ गुड। ऑलराइट दोस्तों, सो ये है लेह व्यू पॉइंट जो कि है 13,000 फीट्स पे। यहाँ से आपको पूरा ले दिखेगा एंड व्यू देखो बहुत ही सुंदर लगेगा। यहाँ पे देखो बेयर लैंड्स है एंड वहाँ पे देखो सारे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अभी चलते हैं आगे, आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखो सारी टूरिस्ट व्हीकल लाइन में जा रही हैं। सो दोस्तों, बहुत सारा ऑफ रोड करने के बाद हम लोग साउथ पुल्लू पहुंच चुके हैं। साउथ पुल्लू बोले तो पहला चेक पॉइंट है जहां से हम लोग चढ़ाई शुरू करेंगे खारदुंगला की। यहां से तो पास ही है बट ऑफ रोड है सारा, क्योंकि ना इसको तोड़ के मोड़ के बहुत ही चौड़ा हाईवे बना रहे हैं। वो देखो कितना ही चौड़ा बना रहे हैं,
लास्ट ईयर की अगर आपने वीडियो मेरी देखी होगी तो भाई ये इतना ही रोड था जिस पर हम चल रहे हैं। अब ये सारा खुदाई करके इन्होंने चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने का काम स्टार्ट किया है, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पे। ये देखो ऊपर सारी बर्फ़ है, तो ठंड है काफ़ी ज़्यादा। एंड खारदुंगला पास है भी अच्छी खासी ऊँचाई पर, तो पहले तो वैसे खारदुंगला ही था हाइएस्ट पीक पे, उसके बाद इन्होंने उमलिंगला बनाया एंड उसके बाद एक और बनाया, तो मतलब अभी खारदुंगला आई गेस थर्ड पे है। यहाँ पे होगा चेक पोस्ट, चलो परमिट दिखाते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं आगे। पर दोस्तों यहाँ पे हमारी एंट्री जो है वो हो चुकी है एंड यहाँ पे हम लोग रुके हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सीधा ऊपर चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। यहाँ से शायद 4 या 5 किलोमीटर होने वाला है, तो ये लोग बोल रहे हैं सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा। बाकी व्यू एक नंबर अच्छा लग रहा है। सो गाइस फाइनली हम लोग साउथ पुलु से निकल चुके हैं एंड साउथ पुलु जो है 15,300 फीट्स पे है एंड हमें जाना है 18,300 फीट्स पे, तो ऑलमोस्ट 3,000 फीट्स हमें और ऊपर चढ़ना है। एंड यहीं पे हालत ख़राब हो रही है यार लिटरली में 15,000 फीट्स पे ही। सीन ये है कि यहाँ पे कुछ भी करते हैं तो सांस फूल जाती है बिकॉज ऑक्सीजन लेवल जो है ना बहुत कम है। एंड ये देखो राइट साइड में अगर हम देखें तो भाई बहुत ज़्यादा स्नो है एंड हम उसी टॉप की तरफ ही जा रहे हैं। ये सोच सकते हो हम इस पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो वाले पहाड़ इससे नीचे है, तो हाइट पे हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। बाकी फन है, ये भी एक तरीके का मस्त एडवेंचर है अपनी बाइक के लिए भी और हमारे लिए भी। मतलब आपकी बॉडी कितना झेल सकती है और आपकी बाइक कितना झेल सकती है। वैसे बाइक तो नॉन लिविंग थिंग है तो आप इसको जैसा स्ट्रेस करोगे वैसा हो जाएगी, बट वही है कितने टाइम तक, एक टाइम के बाद फिर इंजन भी बोलेगा भाई चलो ख़त्म टाटा बाय बाय, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं तो बहुत नॉर्मल रेस देता हूँ जिससे कि बाइक पे ज़्यादा लोड ना पड़े। ये देखो हाइट बिल्कुल बढ़ती जा रही है, इंक्लाइंड पे है सारा रास्ता, थर्ड गियर पे थोड़ी स्ट्रेस हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ हल्की रेस देते हैं चलते चलेगी मज़ा आएगा। एंड हवा वैसे तो देखने में आपको लग रहा होगा कि धूप बहुत अच्छी है, बट हवा जो है ना बहुत ठंडी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी। टाइम हो रहा है 10:54, तो मतलब लग जाएगा हमें यहाँ से 15-20-25 मिनट टॉप पे पहुँचने में। नीचे रास्ता बिल्कुल ख़राब था, यहाँ पे रास्ता काफ़ी बढ़िया है, चौड़ी सड़कें हैं। सो दोस्तों हम लोग बर्फ़ के आसपास पहुँच चुके हैं। ये देखो लेफ्ट साइड में बर्फ़ ही बर्फ़ जो कि पिघल रही है धीरे धीरे क्योंकि धूप है अच्छी खासी। एंड राइट साइड वाले पहाड़ अब हमसे नीचे दिख रहे हैं गाइज, देख रहे हो हम लोग कितनी हाइट पे पहुंच चुके हैं। वो देखो ऊपर उस टावर तक तो हमें जाना ही जाना है शायद, यहाँ पे पूरा बर्फ है पूरा बर्फ। ये नीचे वाली बर्फ जो है ये थोड़ी सी ब्लैक हो रखी है क्योंकि टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे रुकते होंगे। यहाँ वाली बर्फ़ देखो कितनी नई और फ्रेश लग रही है, बाइक थोड़ी दब रही है, वैसे मैं 5th गियर पे ही चला रहा हूँ। ये देखो रोड पे सफाई का काम चल रहा है क्योंकि होता ये है कि लेफ्ट साइड से जो पहाड़ तोड़ते हैं ना तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो हैं वो रोड पे आ जाते हैं, उसकी वजह से बाइक्स गाड़ियाँ उनका स्लिप होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। देखो जैसे मैंने अभी इस पे चलाया ना तो हल्की सी स्लिप हुई, तो ऐसा ही रहता है। बाकी अभी ज़्यादा बातचीत करेंगे तो सांस फूल जाएगा रे हमारा। शार्प टर्न अहेड, ओके। अरे ऑफ रोड फिर से, नो मैन इसमें बहुत ज़्यादा जान लगती है। और फिर सांस फूलने का खतरा भी रहता है, बट कोई नहीं सह लेंगे। ये देखो राइट साइड में कितनी ज़्यादा बर्फ़ है और सुंदर लग रहा है। लास्ट ईयर हम लोग ये नहीं कर पाए थे, हम लोग नीचे जहाँ पे हम बैठे थे ना वहीं से हमें वापस जाना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस था, बट इस बार ब्लैक आइस नहीं है नॉर्मल है, तो इसलिए
इन्होंने जाने के लिए हमें परमिशन दे दी। हमें क्या, सबको ही परमिशन मिली हुई है। पिछली बार ऐसा था कि जो लोकल की गाड़ियाँ थी, लाइक जम्मू कश्मीर हो गया या लद्दाख हो गया, उनको अलाउड कर रहे थे। बाकी फन है, अभी मस्त रोड्स अच्छी है, यहाँ पे साफ सफाई हो रखी है। सो गाइस, जन्नत ये देखो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे बर्फ ही बर्फ, और बहुत ही ठंडा मौसम हो चुका है। ये देखो रोडों पे भी बर्फ है, इतनी ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट पिघल चुकी है। थर्ड गियर पे तो बाइक उठ ही नहीं रही है, सेकंड पे उठ रही है। थोड़ा रेस ज़्यादा देना पड़ेगा, हाई आरपीएम पे उठेगी। सो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं खारदुंगला टॉप। सो दिस इज़ खारदुंगला टॉप। अभी आगे चलते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं। ओ बॉय, देखो क्या हो रहा है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से यहाँ पे जो है हालत सबकी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो हम भी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करेंगे, नॉर्मल फ़ोटो वीडियो लेंगे। हालत ख़राब हो गई है भाई साहब। सो दोस्तों, हम लोग फाइनली खारदुंगला टॉप पहुँच चुके हैं, एंड यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए ना लाइन लग रही है। देख लो कितनी लंबी लाइन थी भाई, अभी कम हुई है, बट जैसे जैसे टूरिस्ट आते जा रहे हैं ना, लाइन लगती जा रही है। ख़तरनाक सिस्टम है भाई, बहुत भीड़ है। ऊपर देखो, लोग ऊपर ऊपर तक जा चुके हैं, वहाँ पे फोटो शूट करवा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। और दोस्तों, ये खारदुंगला टॉप है, यहाँ से आप सीधा जाओगे तो नॉर्थ पुल आ जाएगा 14 किलोमीटर पे, और 56 किलोमीटर पे खालसर एंड फिर सियाचिन बेस कैंप। सियाचिन बॉर्डर है, वहाँ पे आप लोग जा सकते हो, मतलब व्यू पॉइंट है, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हो, मतलब काइंड ऑफ अचीवमेंट कि सियाचिन बेस कैंप आप लोग गए थे। सो नाउ हम लोग निकलने वाले हैं नीचे की तरफ, यहाँ से लेट्स गो, नीचे चलते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है खारदुंगला पे, उमलिंगला पे इतनी भीड़ नहीं होती है। चलो इट्स टाइम टू रोल, यहाँ पे फोटो क्लिक करवा सकते हैं, बढ़िया व्यू पॉइंट लग रहा है। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग नीचे उतर चुके हैं खारदुंगला से, एंड अभी हम लोग रूम की तरफ जा रहे हैं, सामान पैक करेंगे, लोड करेंगे, एंड उसके बाद निकल जाएंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी गाड़ियाँ HR नंबर या चंडीगढ़ नंबर या DL नंबर दिखेंगी, इसका मतलब ये है कि वो सारी गाड़ियाँ जो नीचे एक्सपायर हो जाती है ना, 15 साल या 20 साल, वो यहाँ पर आ जाती हैं, और फिर यहाँ पर लोग सेल एंड परचेज़ करते हैं उन गाड़ियों को।